हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्लीन योर बेबीज ईयर। जब हम नए नए मदर बनते हैं तो हमारे मन में हमारे बेबीज को लेके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उनमें से ये क्वेश्चन होता है कि हमारे न्यू बॉर्न बेबी के जो ईयर्स हैं उन्हें हम सही तरीके से कैसे साफ करें। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं अपने बेबी के ईयर्स कैसे साफ करती हूँ। इस वीडियो में जो सबसे पहला तरीका मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही सेफेस्ट है। मोस्टली मैं अपने बेबी के कान है जो इसी तरीके से साफ करती हूँ। इसके लिए हमें एक बहुत ही साफ सुथरा कॉटन का क्लोथ चाहिए होता है। जब आपका बेबी नहा के आए उसका जो ईयर होता है वो काफ़ी वेट होता है, सो जो डर्ट होती है वो भी बहुत ही ईजिली आप रिमूव कर सकते हो। तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने बेबी के ईयर्स इस टाइम साफ़ करें। यहाँ पे देखिए कि मैं अपने बेबी के ईयर साफ कर रही हूँ। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, बड़े ही आराम से उसके जो ईयर्स हैं वो आपने साफ करने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही साफ़ होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे ढंग से आप अपने बेबी के जो ईयर हैं वो कैसे साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं ये कॉटन बर्ड्स। ये स्पेशली बेबीज़ के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। ये देखिए, ये स्पेशल होते हैं ताकि ये बच्चे के कान के अंदर ज़्यादा डीपली ना जाए। इसकी आप देख सकते हैं कि आगे से ये पतला है और पीछे से मोटा है। बेबीज़ के ईयर की जो वैक्स होती है या हमारी ईयर्स की भी जो वैक्स होती है उसे अंदर डाल के निकालने की तो कोई ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरली डिवेलप होती है। ज़्यादातर हमें साफ़ जो करना होता है वो आउटर सरफेस ही साफ़ करनी होती है। डीपली जाके वैक्स को निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इससे बच्चे को ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे इसका यूज़ करती हूँ। ये देखिए, अब मैं मेरा बेबी इस टाइम सो रहा है तो इसलिए मैं इस टाइम पे उसका ये जो ईयर है वो साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ आउटर साइड ही बेबी के ईयर की साफ़ कर रही हूँ। उसके जो अंदर वाला होल है उसमें ये कॉटन बर्ड आप बिल्कुल नहीं डालेंगे, इससे बेबी को हार्म हो सकता है। बड़े ही आराम से आप जो बेबी के ईयर्स है वो साफ़ करेंगे। आप किस ढंग से अपने बेबी के कान साफ़ कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो फर्स्ट तरीका है वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है। ये जो सेकंड ऑप्शन है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगी। बाय बाय।